मीरम ने कोई झूठ नहीं बोला। मां ने गलत समझा था साहब। क्या कहा तुमने कि मां बेगम ने गलत समझ लिया? मां, मीरम की तबीयत खराब हुई और आपको लगा कि, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। ये तो वही हुआ कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मैंने इसे कहा था ये ढोंगरा चाने के लिए। क्या मीरम ने एक दफा भी आपको अपने मुंह से कहा? तो तुम्हारा मतलब है कि मैंने इसे कहा ये ढोंगरा चाने के लिए? माँ, कभी कभी इंसान अपनी ख्वाहिशों को अपनी खुशफहमी समझने लगता है। मुर्तसिम खान, तुम दूसरे लफ्जों में अपनी माँ को झूठा कह रहे हो। साहब, मैं ये कैसे कर सकता हूँ? ऐसा सोच भी नहीं सकता। मैं बस ये कह रहा हूँ कि गलत फहमी हुई है आपको। अच्छा, तो मुझे गलत फहमी हुई थी ये तो बता सकती थी। ये क्यों नहीं बोली? क्यों मुंह में घुनिया डाले बैठी थी? जी, बस एक यही गलती है हमारी। मेरे बाप की खुशी नहीं छीनना चाहती थी। अब खुश थी माँ, तो बस चुप रही। अच्छा बेटा, हम तुम्हारी बात मान लेते हैं, क्योंकि हम तो तुम्हारी बात मान ही लेते हैं। तुम सच्चे, हम झूठे, तुम दोनों ठीक, हम सब गलत, बस यही है। अच्छा नहीं किया। अच्छा नहीं किया तुम दोनों ने झूठ बोलकर। ऐसा क्या हो गया है? पागलों की तरह क्यों हंस रही हो? हाँ बिल्कुल पागल। ऐसा कौन सा जोक है जिसे सुन के तुम्हारी हंसी नहीं रुक रही? अरे यही तो सबसे बड़ा जोक है, साल का सबसे बड़ा मजाक। माँ बेगम बहुत दुखी हैं और घर में भी सब अफसरदा है। और मुर्तजिम का बताओ? भाई को सब पता था, मीरब का साथ दे रहे थे। चलो अच्छा है, मैंने 9 महीने की मशक्कत से बचा लिया। अगर ये सही नहीं हुआ तो जो तुमने किया वो भी ठीक नहीं था। मीरब को तुमने धक्का देके गिरा दिया। लो, तुम्हें और माँ बेगम को मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए, मेरी वजह से तो सच्चाई सामने आई है। सब बहुत खुश थे। देखो मरियम, जिंदगी भर के रोने से अच्छा है बंदा एक ही दफा रो ले। खैर, अब मैं भी वापस आती हूँ घर। तुम अपनी मर्जी से गई थी जो अपनी मर्जी से आओगी। जब तक माँ बेगम का हुक्म नहीं होता तुम शहर का मुंह नहीं देख सकती। माँ बेगम का हुक्म कब होगा? माँ से मैं बात। कैसा दिया मेरा बीबी? अरे गिल्टी होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं शर्मिंदा अपनी मां के सामने है। तुम बहू कर सकती हो, मैं बेटा हूं, मैं नहीं कर सकता। मैं अभी उनसे जाके माफी मांग लेती हूँ।
तुमसे खफा नहीं है, वो मुझसे खफा है। तो माफी भी वही मांगी जिसने दिल दुखाया है। माँ साहब जाग रही? जी खान। बताइए मैं। जी वो माँ बेगम ने मना किया है। उनसे कहिए मैं आया हूँ, जाइए। माफी खान, लेकिन उन्होंने खास तौर पे आपके लिए मना किया है। हाजरा, ये सब कपड़े उठा के किसी गरीबों में बांट दो या अपने घर ले जाओ या कहीं फेंक दो जाके। रहने दें, आप जाइए। माफ करते मां साहब, मीरब ने झूठ बोला और तुमने उसका साथ दिया। जी ये सच है, हमने झूठ बोला ये सच है, लेकिन मीरब की नीयत आपको तकलीफ पहुंचाने की नहीं थी। उसने सिर्फ झूठ बोला मगर तुमने मेरा मजाक उड़ाया है। मां साहब मेरी इतनी जरूरत, कैसी बातें कर रही हैं आप? मेरी गलती सिर्फ यह है कि मैं चुप रहा। क्या घोल कर पिलाया है तुम्हें मीरब ने? तुम्हारे बाप ने और मैंने तो तुम्हें कभी धोखा देना नहीं सिखाया, न झूठ बोलना सिखाया है। जी मां साहब, बाबा साहब ने आपने हमेशा यही कहा कि सच का साथ दो, लेकिन आप लोगों ने यह भी तो सिखाया कि रिश्तों को जोड़े रखना है हमेशा। ऐसे कच्चे रिश्तों को जोड़ना जिनके साथ शर्तें लगी हो। क्या होती है बेवफाई तुझे करके।